नमस्ते बच्चे, नमस्ते बच्चे। कल तो आप लोग पिकनिक पर गए थे, कैसा लगा? खूब मजा आए? और ये बताओ कि घर जाकर गृह कार्य करने का मौका मिला? नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया? कल जरूर करके लाएंगे, ठीक है? आज सबसे पहले मैं तुमसे कुछ बातें करूंगी, ठीक है? आपके बहुत से मित्र हैं, लेकिन कोई तो होगा जो आपका सबसे प्यारा मित्र होगा। सबका कोई ना कोई मित्र है ना? कौन बताएगा आप मुझे अपने सबसे प्यारे मित्र के बारे में? सुक्रांत आप बताएंगे? बताइए। मेरा सबसे प्यारा मित्र है रोहित। रोहित, वह बहुत तेज भागता है। बहुत तेज भागता है, इसीलिए आपको अच्छा लगता है कि वो बहुत तेज भागता है? वह होशियार और मेहनती भी है। वह होशियार और मेहनती भी है। अभी तक इन्होंने मुझे दो बातें बताई अपने मित्र रोहित के बारे में, कि वह बहुत होशियार है और मेहनती है। होशियार और मेहनती होने के कारण वो आपको बहुत अच्छा लगता है, या और भी कोई कारण है जिसकी वजह से वो आपको बहुत अच्छा लगता है? वो मेरी बहुत मदद करता है। बहुत मदद करता है, इसलिए अच्छा लगता है। बैठिए। अदिति आप बताइए, आपकी प्रिय सखी कौन सी है? मेरी प्रिय सखी नम्रता है। नम्रता है, तभी आपके साथ बैठती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें उसकी कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं? वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पढ़ाई में अच्छी है, होशियार है, खेलों में भी अच्छी है। खेलों में भी अच्छी है। कोई बात ऐसी है उसकी जो तुम्हें बुरी लगती हो? कोई भी बात बुरी नहीं लगती। कभी झगड़ा नहीं हुआ नम्रता के साथ? नहीं ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपका अपनी सखी से कभी झगड़ा ही नहीं होता, है ना? अच्छी बात। लेकिन कभी कभी तो झगड़ा हो जाता है किसी न किसी बात पर, होता ही नहीं? आपका झगड़ा हुआ कभी किसी से? नहीं हुआ। अच्छा आपका मित्र कौन सा है? सुक्रांत। सुक्रांत आपका मित्र है। अच्छा वो आपको क्यों अच्छा लगता? आपका मित्र कैसे बना वो? हम दोनों पहले भी एक ही क्लास में पढ़ते थे, धीरे धीरे हम भी दोस्त बनने लगे। धीरे धीरे दोस्त बन गए। तो किस कारण से आप उसके दोस्त बन गए? क्या बातें आपको उसमें अच्छी लगी? वह बहुत होशियार है। सारे सबके मित्र बड़े होशियार लगते हैं इस कक्षा में। वह पढ़ाई के साथ खेलों में भी अच्छा है, और वह बहुत मेरी बहुत मदद करता है। अच्छा और कोई कारण? आपको उसमें कोई कमी नजर नहीं आती? कोई भी नहीं। सोच के बताओ कि क्या कमी है? हर एक में कोई ना कोई कमी तो होती है। वो और बात है कि जो अच्छे मित्र होते हैं अपने मित्र की कमियों पर पर्दा डालते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताते। कभी कभी गुस्सा हो जाता है। कभी कभी गुस्सा होता है, मतलब कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है। वो क्रोधी है, है? सुक्रांत ठीक है, आपको कभी कभी क्रोध आता है, आप क्रोधी हो, ज्यादा नहीं थोड़े से। ठीक है, तो अभी जो आपने बताया कि आपको अपने मित्र क्यों अच्छे लगते हैं, आपने दो तीन मुख्य रूप से कारण बताए कि आपका मित्र बहुत होशियार है, चतुर है, मेहनती है, बुद्धिमान होगा, होशियार है तो बुद्धिमान भी होगा, और कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है? अच्छा अब ऐसा करते हैं कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानियां सुनना अच्छा लगता है ना आपको? मैं जो कहानी सुनाऊंगी उसे बड़े ध्यान से सुनना, और फिर मुझे ये बताना कि उस कहानी में ऐसे कौन से गुण हैं
जो आपको अपने मित्रों में भी दिखाई दिए थे। ठीक है, आपके जो मित्र के गुण आपने बताए हैं कि वो होशियार है, मेहनती है, क्रोधी है या बहुत चतुर है, बुद्धिमान है, तो उस कहानी में भी, उस कहानी के जो पात्र हैं, उनके कौन से गुण इन गुणों से मिलते हुए हैं, बता सकते हैं ना। और साथ साथ में मैं आपसे कुछ और सवाल भी पूछूंगी, इसलिए कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, शुरू करें। आपने अकबर बीरबल की किस्से सुने? यस मैम। सबने सुने? यस मैम। चलिए, एक किस्सा मैं अकबर बीरबल का आज आपको सुनाती हूँ। आप जानते हैं बीरबल कौन था? यस मैम। सारांश आप बताएंगे कौन था बीरबल? वो अकबर की कोर्ट में था। अकबर के कोर्ट में था। कोर्ट का मतलब क्या होता है? दरबार। तो बीरबल अकबर के दरबार में था। अकबर सम्राट थे बहुत बड़े, और सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल था। वो बहुत चतुर था। कैसा था? चतुर था। तो एक वो उसका सामने आता है कि वो बहुत चतुर था। अब अकबर हर समय बीरबल की सलाह माना करता था, और वह गरीबों का भी पक्का दोस्त था। क्या था वो? गरीबों का पक्का दोस्त। सारांश आप बताइए, आप बोलिए क्या था? गरीबों का पक्का दोस्त। गरीबों का पक्का दोस्त था। दोस्त पक्का। अब जो दोस्त होता है, अभी आपने कहा कि आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं, ठीक है ना? तो बीरबल क्योंकि गरीबों का पक्का दोस्त था, इसलिए वह गरीबों की बहुत मदद करता था। जहां भी जब भी उनके सामने कोई मुसीबत आती, वो उनकी मदद करता। अकबर जहां भी जाता, बीरबल को अपने साथ ले जाता था। एक बार अकबर एक छोटे से गांव के पास से जा रहा था। कहाँ से जा रहा था अदिति, आप बताइए? छोटे से गांव के पास। छोटे से गांव के पास से जा रहा था। गांव कैसा था? छोटा सा था। उस गांव के पास से अकबर जा रहा था और बीरबल उसके साथ था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अभी सर्दी शुरू हो गई, लेकिन इतनी ठंड नहीं है, लेकिन उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसने देखा कि तीन लोग आग सेक रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। कितने लोग थे वहां? तीन लोग थे। तो तीन लोग वहां बैठे बातें कर रहे हैं और आग सेक रहे हैं। अब अकबर उनकी बातें छुपकर सुनने लगा। सुन रहा था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। तीन लोग थे ना, तो पहले आदमी ने कहा कि मैं तो रात भर बिना कुछ ओढ़े इस खेत की रखवाली कर सकता हूं, इतनी ठंड में भी। इतने में दूसरे को और जोश आया। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इतनी रात को इतनी कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहा सकता हूं। आप ठंडे पानी से नहाते हैं इन दिनों में? गर्म पानी से नहाते हैं? लेकिन उसने क्या कहा कि मैं किससे नहा सकता हूँ? ठंडे पानी से। तो दूसरे मित्र को लगा कि अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ठंडे पानी से तो मैं भी नहा सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी। उसे और जोश आ गया। उसने कहा, अरे क्या बात करते हो, मैं तो ये जो पास में नदी बह रही है, यमुना नदी, उस नदी में रात भर ठंडे पानी में खड़ा रह सकता हूं। इतने में जब अकबर ने ये सुना तो अकबर आगे आया और उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक थैली भर सोने की मोहरें दूंगा। और इतने में उस व्यक्ति ने, जिसका नाम पांचू दादा था, उसने अकबर की बात मान ली।
अकबर ने पांचवी राधा को क्या देने का वादा किया? सारांश 10,000 मोहरे। मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं था कि 10,000 मोहरे। एक थैली भर मोहरे देने का वादा किया था। देखो सारांश ने अपने आप अंदाजा लगा लिया कि उस थैली में कितनी मोहरे होंगी। 10,000 मोहरे। चलो सारांश की बात मान लेते हैं कि उसने उसे एक थैली भर मोहरे देने के लिए कहा। अब वो और बात है कि उसमें थैली भर में कितनी मोहरे थी, चाहे हम उसे कहें थैली भर या हम कहें 10,000 मोहरे देने का वादा किया। कहानी है इसलिए कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या है कि उसने बहुत सारा धन देने का वादा कर दिया। उसने अपना वो वचन निभाया और रात भर पानी में खड़ा रहा और सुबह सुबह अकबर के दरबार में जा पहुंचा अपना इनाम मांगने। अकबर इनाम देना नहीं चाहता था। उसने ये कहा कि ये बताओ कि तुम रात भर इतने ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे। जानती हो उसने क्या उत्तर दिया? कि आपका जो बड़ा वाला महल है उसमें से दीपक की रोशनी आ रही थी। थोड़ी बहुत गर्मी तो होती है दीपक, और मैं उस रोशनी में रात भर इस पानी में खड़ा रह गया। तो इस पर अकबर बोला, तुम झूठ बोलते हो, महल इतनी दूर है और उसके दीपक की रोशनी में तुम खड़े रह सकते हो। लेकिन ठीक है, तुम जो कहते हो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। अगर तुम उसकी रोशनी में खड़े हुए हो और उससे तुम्हें गर्मी मिलती रही तो मैं तुम्हें इनाम किस बात का दूं? पांचू दादा निराश होकर चला जाता है। उसे लगता है कि उसने तो अपनी प्रतिज्ञा निभाई और अकबर ने उसे कोई इनाम नहीं दिया। 5-6 दिन तक बीरबल दरबार में नहीं जाता और अकबर परेशान हो जाता कि बीरबल क्यों नहीं आया। वो ये पता लगाने के लिए कि बीरबल क्यों नहीं आया बीरबल के घर पहुंच जाता है और क्या देखता है कि बहुत ऊंचे एक हांडी लटकी हुई है जिसमें कुछ पक रहा है और बहुत नीचे आग जल रही है। तो बीरबल से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल कहता है, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर कहता है, खिचड़ी पका रहे हो? इतनी ऊपर तुमने हांडी टांग रखी है और आग कहां है? बहुत नीचे। अब यहां से वहां तक तो आग की गर्मी नहीं पहुंचेगी, तो तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल इस पर कहने लगता है, सम्राट जब बड़ी महल की रोशनी से पांचू दादा की गर्मी मिल सकती है तो इतनी दूर से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर की बात समझ में आ जाती है और वह पांचू दादा को बुलाकर उसका इनाम दे देता है। ठीक है, तो कितना बुद्धिमान और चतुर था बीरबल कि उसने अकबर से पांचू दादा को इनाम दिलवा दिया। कहानी आपने सुन ली, अच्छी लगी कहानी? यस मैम। अब ये बताओ कि इसमें बीरबल की कौन सी विशेषता आती है? हाँ सुप्रांत, आप बताइए। चतुर। चतुर था। हमने पहले भी लिखा था कि बीरबल बहुत चतुर व्यक्ति था। हाँ बैठिए सुप्रांत, बैठिए आप। और आदित्य आप बताइए, और कोई विशेषता है इसके भरकर? वो बहुत होशियार था, उसने बड़ी होशियारी से पांचू दादा को उसका इनाम दिलवाया। वह बहुत होशियार था, उसने बड़ी होशियारी से पांचू दादा को उसका इनाम दिलवाया। और कौन बताएगा? चलिए आप बताइए। वह गरीबों का पक्का दोस्त था। वह गरीबों का पक्का
दोस्त था, ये हमने पहले भी लिखा था कि वो गरीबों का पक्का दोस्त था। बैठिए। और इसमें अकबर की कौन सी विशेषता उभर कर आई, कैसा था अकबर? आदिति, अकबर बहुत कंजूस था। कंजूस था। वह पांचों बाबा को उसका इनाम देना नहीं चाहता था। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि आपने जो अपने मित्रों के गुण बताए थे, उनमें से एक गुण ऐसा है जो बीरबल में भी था, कौन सा गुण था? हाँ सारांश आप बताइए। होशियार। होशियार। होशियार गुण ऐसा है जो बीरबल में भी था और आप सभी के मित्रों में भी है, तभी आपके मित्र आपको बहुत प्रिय लगते है ना, ऐसा? ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास कितने सारे गुण आ गए, कंजूस, होशियार, मेहनती, क्रोधी, चतुर, पक्का, कई गुण आ गए। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। आप लोगों ने कुछ पढ़ा है इसके बारे में? नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, चलिए आप बताइए। विशेषण। विशेषण कहलाते हैं, बहुत अच्छी बात। अब आप ये भी बताइए, जब आपने ये कहा कि ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी, किन शब्दों को हम विशेषण कहेंगे? सुक्रांत बहुत उछल रहे हैं कि मैं बताऊंगा, लेकिन हम सुक्रांत से अभी नहीं पूछेंगे, आप बताइए अभी। हाँ बोलिए, कैसे शब्द विशेषण कहलाएंगे? जो इन शब्दों जो इसका उत्तर दे, कैसा है? कैसा है? हाँ हाँ, जब हम ये पूछते हैं ना कि वो व्यक्ति कैसा है, उत्तर क्या है? चतुर। तो किसकी विशेषता बताई है? उस व्यक्ति की, कैसा है। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते। बैठिए, और कोई बताएगा उसकी परिभाषा? चलिए सुक्रांत अब आप बताइए। जो किसी व्यक्ति या जानवर के बारे में बताता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में या पशु पक्षी के बारे में, किसी के बारे में भी उसकी विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? विशेषण। जो किसी की विशेषता बताता है। अब इस किसी की में क्या क्या आता है ये हम देखेंगे। देखिए बोर्ड पर आप एक चार्ट देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। इस पर 10 वाक्य लिखे हैं। यस मैम। आपको इनमें से विशेषण शब्द छांटने हैं। मैं जिसको बुलाऊंगी वही आएगा और इस पेन से विशेषण शब्द को रेखांकित करेगा। ठीक है। हाँ, पहला वाक्य है, आकाश बहुत शरारती लड़का है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, कौन आएगा? चलिए आप आइए मान्य। हाँ जाएगा आपका शरारती। ठीक है, मान्य ने ठीक विशेषण लगाया। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? शरारती। आकाश बहुत शरारती लड़का है, तो इसमें विशेषण हुआ शरारती। अब आप ये देखिए कि शरारती शब्द किसकी विशेषता बता रहा है। पीयूष आप बताएंगे? आकाश की। आकाश की। और आकाश कौन है? एक लड़का। एक लड़का है, तो लड़का शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? शरारती। शरारती लड़के की विशेषता बता रहा है। अब दूसरा वाक्य लीजिए, वाह तुमने बढ़िया काम किया। इसमें कौन सा शब्द विशेषण है?
आप आइए और रेखांकित कीजिए। इन्होंने बढ़िया शब्द को रेखांकित किया, ठीक है, ठीक है, हाँ, बढ़िया काम किया। अब आप ये बता सकते हैं कि बढ़िया शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? राहुल, माँ काम की, काम की। तो बढ़िया शब्द काम की विशेषता बता रहा है। अब ये जिस तरफ तो हमने लिखे हैं विशेष, और यहाँ क्या है, जिन शब्दों की वो विशेषता बता रहे हैं। अब इन शब्दों को ध्यान से देखो और ये बताइए कि ये शब्द क्या है। बता सकते हो कि ये शब्द क्या है? चलिए रोहित आप ही बताइए। हम क्रिया, ये शब्द क्रिया है। बैठिए, क्या रोहित ने ठीक बताया है? रुचिका, हाँ आप बताइए कि रोहित ठीक कह रहा है? मैम संज्ञा होना चाहिए, मेरे ख्याल से रोहित गलत कह रहा है। रोहित गलत कह रहा है, संज्ञा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या आप कारण बता सकते हैं कि वो क्रिया क्यों नहीं है? आपका उत्तर सही है, लेकिन ये भी बताइए कि वो संज्ञा क्यों नहीं है। रुचिका आप ही बोलिए। चलिए मैम, क्योंकि इसमें सारी संज्ञा है, जैसे कि इसमें लड़का, काम, कपड़ा, बल, मित्र, हवा, जानवर, ये सब संज्ञा है। हाँ? और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। अब ये शब्द क्रिया तो नहीं, क्रिया क्या होती है? क्रिया शब्द क्या होता, किसे कहते हैं क्रिया? कौन बता सकता है? राहुल आप बता सकते हैं? नहीं, भूल गए। रोहित नहीं याद नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं। करिए कोशिश, कीजिए बताइए क्रिया का मतलब क्या होता है। रुचिका तुम भी मतलब बताओ, क्रिया का मतलब क्या होता है? राहुल ने गेंद फेंकने की क्रिया की, क्या मतलब होता? हाँ बोलो। हम काम किया, काम किया। तो क्या इन शब्दों से किसी काम का पता चल रहा? नहीं, ठीक है रोहित, स्पष्ट है, कोई क्रिया नहीं हो सकते। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाता है, इसलिए ये शब्द क्रिया नहीं है। ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण कहलाता है। स्पष्ट है बिल्कुल? यस मैम। अच्छा, तो विशेषण की परिभाषा सबको समझ में आ गई? यस मैम। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष। ठीक है, तो ये सारे शब्द लड़का, काम, कपड़ा, बल, मित्र, हवा, जानवर, इमारत, वैज्ञानिक, व्यक्ति और उत्साह, ये सारे शब्द क्या हुए? विशेष। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो विशेषता बताए वो विशेष। अब आप एक दूसरा चार्ट देखिए, उसमें भी 10 वाक्य हैं, प्रत्येक वाक्य में एक रिक्त स्थान है, आपको विशेषणों से उस रिक्त स्थान को भरना है। पहला वाक्य देखिए, सोहन के लिए - शरबत लाओ, इसमें कौन सा विशेषण आएगा? इसमें कौन सा विशेषण आएगा? सोहन के लिए लाल शरबत लाओ, सोहन के लिए लाल शरबत लाओ। इसके अलावा भी और कोई विशेषण हो सकता?
कोई और शब्द इसके स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं? एक गिलास शरबत लाओ। बिल्कुल ठीक। चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। इसमें कुछ कार्ड्स हैं, मैं आपके पास आऊंगी, उसमें से एक कार्ड उठाइए और उस पर लिखे शब्द का वाक्य बनाइए। ठीक है, ध्यान रखिए कि उस शब्द का वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए आप उठाइए, कोई भी एक कार्ड उठाइए। दुर्बल। अब इसका वाक्य बनाइए। इनके पास शब्द आया है दुर्बल और उचिका इसका वाक्य बनाएंगे। जब तक आप लोग भी सोच लीजिए क्या वाक्य होगा। इसमें बिल्कुल बल नहीं है, वह दुर्बल है। उसमें बिल्कुल बल नहीं है, वह दुर्बल लड़का है। ठीक है, अब यहाँ दुर्बल किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। बिल्कुल ठीक। अगला वाक्य कौन बनाएगा? आप लीजिए। क्या शब्द आया आपके पास? उत्तम। उत्तम बना सकते हैं इसका वाक्य? आप लोग भी सोच लीजिए जब तक। कौन बना सकता है? रोहित, आप बताएंगे? मैं सोच रहा हूँ। सोचिए राहुल। सोचिए जल्दी से। चलिए मैं इसका उत्तर मैं बताती हूँ। मैंने बहुत उत्तम फिल्म देखी। अब इसमें हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? फिल्म। ऐसा कोई और वाक्य जल्दी से बना सकते हैं? हाँ बोलो। हाँ, रोहित बहुत उत्तम लड़का है। रोहित बहुत उत्तम लड़का है, बिल्कुल ठीक। बस है, चलिए आपको मैं कुछ विशेषण लिखवा रही हूँ, आप घर से इन विशेषणों पर कुछ वाक्य बनाकर लाइएगा। चलिए शब्द लिखिए, विशाल, पक्का, और एक और शब्द दुगुना। ठीक है, लिखिए सबने। मैम, आप सब इसका गृह कार्य में वाक्य बनाकर लाएंगे सब? आप लोगों ने पहले वाला गृह कार्य भी कल पिकनिक पर जाने की वजह से नहीं किया था, वो काम भी पूरा होना चाहिए और ये काम भी। ठीक है, ठीक है, आज हम अपनी कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं और कल ऐसा होना चाहिए कि सबका काम पूरा हो। ठीक है, तो कल आप सब अपना काम करके आइएगा।